इजराइल के खिलाफ वर्ल्ड वॉर शुरू, खाड़ी के देशों ने कर दिया बड़ा अटैक। 100 से ज्यादा इजरायली टांगों को उड़ाया, अमेरिका के जहाजों को भी मार गिराया। रूस ने भारत को लेकर कर दिया बड़ा ऐलान, तीसरे विश्व युद्ध में उपयोग की जाने वाले सबसे घातक हथियार आएंगे भारत। पाकिस्तान में चीन के पहुंचे वॉरशिप, ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने भारत विरोधी मंत्री को पद से हटाया। दोस्तों, हाल ही में जब इस साल की सीप्री की रिपोर्ट पेश की गई थी तो उसमें परमाणु क्षमता के मामले में चीन और पाकिस्तान दोनों के पास भारत से ज्यादा परमाणु हथियार मौजूद थे। वहीं रूस इस लिस्ट में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रखने वाला देश था। अब इसी कड़ी में रूस ने भारत को लेकर ऐसा ऐलान कर दिया जिसने न केवल चीन पाकिस्तान बल्कि अमेरिका तक हैरान है। रूस के इस ऐलान में वह हथियार का नाम लिया गया जो पाकिस्तान जैसे देश को भारत एक झटके में खत्म कर देगा। पहले से ही पीओके में आजादी के आंदोलन तेज हो रहे हैं, बलूचिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी पर लगातार हमले हो रहे हैं, तो उसी वक्त रूस और भारत का ज्वाइंट रूप से विध्वंसक हथियार पर खबर देना पाकिस्तान की नींद उड़ा दिया है। पाकिस्तान की नींद उड़ना भी लाजमी है क्योंकि यह एक ऐसे हथियार को लेकर खबर आई है जो सिर्फ एक सेकेंड में 2000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है, पर जम्मू और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की दूरी मात्र 199 किलोमीटर है। इतनी दूरी तय करने में एक सेकेंड से भी कम समय लगेगा, यानी कि इस तरफ से हथियार को दागने वाली बटन प्रेस होगी, उधर इस्लामाबाद साफ हो जाएगा। दरअसल दोस्तों, भारत की ब्रह्मोस एरोस्पेस कंपनी जिसमें 51% हिस्सेदारी भारत की है और 49% हिस्सेदारी रूस की, दोनों ने मिलकर ही ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किया है। इस कंपनी के सीईओ द्वारा एक स्टेटमेंट के जरिए खुलासा हुआ है कि भारत और रूस दोनों ने एक विचार जाहिर कर दिया है कि मिलकर हाइपरसोनिक मिसाइल का निर्माण करेंगे। दरअसल आने वाला समय हाइपरसोनिक मिसाइलों का ही होगा। जिस देश के पास हाइपरसोनिक होगी उससे दुनिया का कोई भी देश युद्ध करने की हिमाकत नहीं करेगा। आज से लगभग 22 साल पहले 2001 में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को पहली बार चांदीपुर में जमीन से लॉन्च किया गया था। उसके बाद से आज तक दुनिया का कोई भी देश सुपरसोनिक श्रेणी की इतनी खतरनाक क्रूज मिसाइल का निर्माण नहीं कर पाया है। तो सोचिए, जब भारत और रूस दोनों मिलकर हाइपरसोनिक मिसाइल का निर्माण करेंगे तो यह कितना कहर मचाने वाली मिसाइल बनेगी। तो दोस्तों, अब जो हाइपरसोनिक मिसाइल बनेगी इसका क्या नाम होगा, तो आपको बता दें, इसी को लेकर ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ ने बताया है कि ब्रह्मोस 2K के वर्जन को बनाने को लेकर रूस और भारत सहमत हो गए हैं। वहीं ब्रह्मोस 2K ब्रह्मोस मिसाइल का हाइपरसोनिक वेरिएंट है जिसकी स्पीड 7 मेक से अधिक होगी, यानी कि यह ध्वनि की गति से 7 गुना अधिक तेजी से चल सकेगी। हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए जो सबसे जरूरी पैरामीटर होता है उसके मुताबिक मिसाइल को कम से कम 5 मेक की गति में उड़ान भरना चाहिए। वहीं जो इसकी सबसे खास बात होगी, यह दुनिया की सबसे घातक हाइपरसोनिक मिसाइल बनेगी। इस मिसाइल को ना तो अभी तक कोई रडार सिस्टम बना है जो इसे ट्रैक कर पाए, ना ही कोई डिफेंस सिस्टम है जो इसे मार कर गिरा पाए। हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकने का मैकेनिज्म ना तो चीन के पास है, ना ही अमेरिका के पास, यहां तक कि रूस के पास भी नहीं, जो खुद जिरकोन नाम की हाइपरसोनिक मिसाइल का निर्माण भी कर चुका है। यह खबर अब पूरे एशिया को हिलाकर रखने वाली है। ब्रह्मोस 2K मिसाइल ही रूस के हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकोन पर आधारित होगी। आप देखते होंगे, हर महीने ब्रह्मोस मिसाइल के 1-2 परीक्षण कर दिए जाते हैं, तो चीन भी इंफॉर्मेशन सेंटर को सख्त हिदायत देगी कि पता करो भारत के पास कितनी ब्रह्मोस मिसाइल युद्ध में उपयोग के लायक बिल्कुल परफेक्ट है। इसे लेकर चीन के इंफॉर्मेशन सेंटर ने रिसर्च करना शुरू कर दिया और अपनी रिपोर्ट में जो खुलासा किया गया है उसने चीन की सेना को फिर से अपनी तैयारी को रिवाइंड करने पर मजबूर कर दिया है। इसलिए चीन की हिम्मत भारत से अकेले भिड़ने की नहीं है, वे अपने साथ पाकिस्तान की सेना को भी ढाल बनाकर आगे लाता है। आपने देखा होगा, चाहे कश्मीर के अंदर आतंकी हमले की कोई घटना हो, उस अटैक में जो वेपन उपयोग किए जाते हैं वे वेपन मेड इन चाइना ही होते हैं। या फिर आप देख लीजिए, यूनाइटेड नेशन में कोई मसला हो तो वहां भी पाकिस्तान को बचाने के लिए यूनाइटेड नेशन के प्रिंसिपल को नजरअंदाज करते हुए खड़ा हो जाता है।
यानी कि चीन की कोशिश है कि जब भी भारत से तनाव बढ़े तो भारत के खिलाफ टू फ्रंट वॉर की चुनौती पेश की जाए, एक ओर पाकिस्तान भारत पर हमला बोल दे और एक तरफ से चीन। इसी कड़ी में आज ही सैटेलाइट तस्वीरों से एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। एबीपी न्यूज में छपी खबर के मुताबिक चीन के कई वॉरशिप पाकिस्तान पहुंच गए हैं। उधर पाकिस्तान की ओर से युद्धपोत पनडुब्बी और जहाज को कराची बंदरगाह पर तैनात किया गया है। दरअसल खबरों के मुताबिक कहा जा रहा है कि चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर अपनी समुद्री ताकतों का प्रदर्शन करने के लिए अपने वॉरशिप को एक जगह पर एकत्र किए हैं। इंडियन नेवी चीन और पाकिस्तान की नौसेना पर कड़ी नजर रखती है। कहा जा रहा है कि चीन और पाकिस्तान अब तक का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास करने जा रहे हैं। उधर जैसे जैसे दुनिया में देशों के बीच युद्ध शुरू हो रहा है, उसको देखते हुए तीसरे विश्व युद्ध का भी खतरा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। युद्ध के 39वें दिन इजराइल बिल्कुल अलग थलग पड़ गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अपने गृह मंत्री तक को बर्खास्त कर दिया। इतना ही नहीं, ब्रिटेन के एक एमपी ने जैसे ही अपने सोशल मीडिया में इजराइल गाजा युद्ध को लेकर हो रहे आंदोलन की फोटो शेयर की, उनको भी बर्खास्त कर दिया है। अब इजराइल को भी चारों तरफ से घेरा जा रहा है। ईरान, लेबनान, सीरिया और यमन, ये चारों ही देश फिलिस्तीन और गाजा की तरफ से इजराइल के खिलाफ मैदान में उतर चुके हैं। वहीं सऊदी अरब में लगभग सभी खाड़ी के देश अभी दो दिन पहले एक मंच पर शामिल हुए थे, जहां पर इजराइल के खिलाफ ठोस रणनीति बनाई गई। अब यह सभी अरब के देश सीधे इजराइल के खिलाफ युद्ध में ना उतरकर ईरान, लेबनान, सीरिया और यमन, इन चारों देशों को हथियारों की सप्लाई की जाएगी। वहीं इन सब के बीच जो सबसे खास बात है वह है ब्रिटेन अब लगभग इजराइल का साथ छोड़ चुका है, क्योंकि जब ब्रिटेन के अंदर फिलिस्तीन के समर्थन में लगभग 10 लाख लोग सड़कों पर उतरे तो उसके बाद ब्रिटेन की गृह मंत्री ने आदेश दिया कि इस प्रदर्शन को रोका जाए, लेकिन ब्रिटेन की पुलिस ने नहीं रोका तो उसके बाद फिर से गृह मंत्री ने कहा कि लगता है कि ब्रिटेन की पुलिस भी फिलिस्तीन का समर्थन कर रही है। उसके फौरन बाद प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने खुद गृह मंत्री को ही बर्खास्त कर दिया। वहीं भारत ने भी यूनाइटेड नेशन में एक प्रस्ताव पर इजराइल का साथ न देकर फिलिस्तीन का समर्थन कर दिया है। दरअसल यह पूरा मामला फिलिस्तीन और इजराइल के बीच का था। बीते दिन इन दोनों देशों को लेकर एक प्रस्ताव पेश किया गया। इस प्रस्ताव को पेश करने में बहुत चतुराई दिखाई गई, क्योंकि इस प्रस्ताव को यूनाइटेड नेशन में जनरल असेंबली में पेश किया गया, क्योंकि अगर इस प्रस्ताव को सिक्योरिटी काउंसिल में पेश किया जाता है तो वहां पर अमेरिका अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके प्रस्ताव को खारिज करा देता। वहीं जब यह प्रस्ताव पेश किया गया तो 193 देशों में से 145 देशों ने इजराइल के खिलाफ और यूनाइटेड नेशन के पक्ष में वोट किया। वहीं इजराइल के पक्ष में केवल 7 देशों ने वोट किया है, जिन्हें आप अपनी उंगलियों में गिन सकते हैं। इनमें से एक देश तो इजराइल खुद था और बाकी के देशों में अमेरिका, हंगरी, मार्शल, आयरलैंड, कनाडा, माइक्रोनेशिया, नारू शामिल थे। उधर इस प्रस्ताव के विषय पर बात करें तो इसका विषय था इजराइल ने फिलिस्तीन के जिन स्थानों को अपने कब्जे में लिया है उससे इजराइल को हटना चाहिए और फिलिस्तीन को उसका अधिकार मिलना चाहिए। दरअसल 1996 में फिलिस्तीन बहुत बड़े एरिया में फैला था। उसके बाद 1947 से लेकर 2008 तक बहुत तेजी से परिस्थितियां बदली है। पहले जहां फिलिस्तीन बहुत बड़े एरिया को कवर करता था, आज वे टुकड़ों में बंट गया है और इजराइल बड़े क्षेत्र में फैल चुका है। वहीं भारत ने यूनाइटेड नेशन में अपने पक्ष रखते हुए कहा है कि यह टू स्टेट्स थ्योरी पर ही मामला हल हो सकता है। क्या कहना है आपका इस खबर पर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।